दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग बनाने वाले हैं ब्रेकफास्ट में पोहा, जिसके लिए हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और हम डालने वाले हैं सरसों के दाने जो कि चटकने लगे हैं। और अब हम डालेंगे अपने करी लीव्स, अब हम डालेंगे अपने हरी मिर्च और साथ में प्याज भी। तो देखिए 30 सेकेंड्स तक हमने प्याज को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन किया है, हल्का सा ब्राउन किया है। और इसमें हम डालेंगे अपने टमाटर। तो दोस्तों, हम टमाटर के साथ थोड़े बीन्स भी डाल रहे हैं, तो थोड़ी सी क्रंचीनेस आती है। दोस्तों, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा स्वाद अनुसार नमक, जिससे थोड़ा सा थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। तो हमने ये सारे इन्ग्रीडियंट्स को फ्राई कर लिया है, 2 से 3 मिनट के लिए हमने फ्राई किया है। अब इसके बाद हम डालेंगे पोहा, जो मैंने ऑलरेडी 30 सेकेंड्स तक पानी में फुला लिए थे। तो दोस्तों, अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चीनी, जिससे हमारे पोहे में थोड़ा खट्टे मीठे स्वाद आएगा। तो दोस्तों, हमारा पोहा लगभग बनके तैयार है। अब हमारे पास बादाम रोस्टेड है, तो मैं इसमें बादाम डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा और फ्लेवर आएगा। तो दोस्तों, हमारा पोहा बनके तैयार है। सिर्फ 5 मिनट लगा हमारा पोहा बनने में। और अब हम अपना गैस स्टोव बंद करते हैं और हम हरी धनिया की पत्ती से गार्निश कर देंगे। और अब हम अपना प्लेट में सर्व करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरा पोहा 5 मिनट बनके तैयार है, कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो अगर आपको मेरा पोहा, मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो, तो आप प्लीज मेरे रेसिपी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।